कहाँ गया वो सब यार? चलो मेरी बात समझ में यस सर। आई। देने वाला अगर 100 कैलोरी हुआ तो वह टोटल आइस मेल्ट हो जाएगा, कोई डाउट? नहीं या क्लियर हुआ क्या कि देने वाला जितना है, जितना दे रहा है उतना ही उसको जरूरत है लेने वाले को? हाँ आगे बढ़ूं, इसका सिचुएशन क्लियर है? यस सर। सेकंड केस, एटी अगर देने कैलोरी वाला 100 ना दे के 180 दे रहा है, अरे सिर्फ 80 दे रहा है, तब क्या होगा? कुछ तो आइस दे उसको और जाएगा हीट चाहिए होगी तो कहां से देगा? उसकी औकात ही नहीं देने का तो फिर क्या करेगा? सराउंडिंग से लेगा। मारेंगे। हाँ तो मैंने लेगा पहले ना जरा। कंसीडर बोल चुका हूं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर नॉट लॉस या गेन नॉट कंसीडर। तो वो आइस में रह जाएगा। इसका मतलब अब सुनो, यह कंसेप्ट समझो। 80 कैलोरी के हीट के बराबर, वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे 80 कैलोरी के हीट के बराबर जो आइस है मास आइस का वह मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। क्लियर? ट्वेंटी रह और जाएगा। 20 कैलोरी जो कि चाहिए था जो नहीं मिल पाया, उतना के बराबर आइस उस मिक्सचर में प्रेजेंट रहेगा, कोई डाउट? नहीं हाँ कंसेप्ट क्लियर? तो सर। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? अगेन 0 डिग्री, कोई 0 डिग्री होगा। डाउट? हाँ जी। नहीं कोई डाउट? नहीं नहीं, लेकिन मिक्सचर में अमाउंट किसका क्या होगा? तो मिक्सचर का जो वाटर का मास अमाउंट जो होगा वह वाटर का मास प्लस मेल्टेड ऑफ आइस, मास ऑफ मेल्टेड ऑफ आइस, कोई डाउट? नहीं और मास ऑफ आइस क्या होगा? जो तो रेस्ट एटी बचा हुआ मास ऑफ आइस, अच्छा कोई डाउट? 20 कैलोरी 20 कैलोरी के हीट के बराबर, कोई डाउट यहां तक? नहीं। आगे बढ़ू, थर्ड केस, तीसरा केस। अगर 120 कैलोरी हीट देगा तब, अच्छा समझा। अगर 120 कैलोरी हीट दिया तब पहली बात के 100 हीट लेकर वह कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया जीरो पे, हाँ या ना? हाँ हाँ, अब बचा कितना? 20 20 कैलोरी हीट। वह 20 कैलोरी हीट से टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर मतलब वाटर प्लस आइस, हाँ या ना, वाटर का। उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। नहीं समझा? समझा समझा। चल दिशा, दिशा का पढ़ने समझे सर, इस कंसेप्ट को समझाओ समझ मेरे गए को, सर। मेरे को कंसेप्ट को समझाओ, सेम कंसेप्ट को समझाओ। सो मेरा आंसर आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कंसेप्ट आंसर सही है, बट एक चीज बताओ, मैं कंसेप्ट पूछ रहा हूं, आंसर आना नहीं। समझ, कंसेप्ट समझने के बाद मैंने सॉल्व किया है। अभी मैं तब ठीक है। समझा सकती हूँ आपको कंसेप्ट। हाँ तो मैं आपसे भी पूछता हूँ, दिशा आप कंसेप्ट समझाओ मेरे को। मतलब हमने दो सब्सटेंस लिए, फर्स्ट आइस और देन हॉट वाटर। और बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट अगर मतलब वाटर 100 कैलोरीज दे सकते, मतलब आइस को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए 100 कैलोरीज लगेंगे। नहीं गलत गलत, और भी समझाओ। सो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस लिया और वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस लिया। आइस को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए सपोज एक्स कैलोरी हीट लग रही है, एक्स और नहीं, वो आप जो बताइए, 100 मान के चलिए चाहे 200 कुछ भी मान हंड्रेड के। हाँ ठीक है 100 कैलोरी हीट लग रही है, तो जो वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस, अगर वो भी 100 डिग्री कैलोरी ही प्रोवाइड कर रहा है पहली बात तो ये बताइए, दोनों मेरी बात सुनिए। ओके ठीक है, आप सही समझा रहे हैं।
यहाँ पे आइस है और वाटर है, दोनों को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। आइस जीरो पे और वाटर 40 पे, ठीक है। आइस हीट, आइस को हीट चाहिए और वाटर हीट देगा, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब आइस हीट लेकर क्या करेगा, तो पहले फेज चेंज करेगा, कोई डाउट? फेज चेंज इन फेज। सपोज माना कि हीट उसको फेज चेंज करने के लिए 100 कैलोरी चाहिए, क्लियर। हमें भूख लगी है, 10 रसगुल्ला चाहिए, लेकिन देने वाला जो रसगुल्ला है क्या 10 ही देगा? तीन सिचुएशन हो सकता है ना, कि मुझे 10 रसगुल्ला भी दे सकता है, 8 रसगुल्ला भी दे सकता है, और 12 रसगुल्ला भी दे सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा? मुझे रिक्वायरमेंट कितना है 10 रसगुल्ले की, बट देने वाला कितना है? 10 रसगुल्ला दे सकता है, 8 दे सकता है और 12 दे सकता है। अगर 10 दिया तो मेरी भूख मिट गई, अगर 10 नहीं दिया तो 2 की भूख रह गई, 8 दिया तो 2 की भूख रह गई और 12 दिया तो भूख मिट भी गई। हम दूसरे उसका टोटल बाद के लिए भी रख लेंगे, बाद में भूख लगेगा तो खा ले। मेरी बात समझ में आई? सेम हैपेंस, सेम फिनोमिनन हैपेंस हियर आल्सो। आई एम सेइंग वाटर इज एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हियर हंगर इज आइस एंड डोनर इज वाटर। वाटर आइस एट 0 डिग्री टू कन्वर्ट एट वाटर एट 0 डिग्री एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज 100 कैलोरी, इज इट? नाउ प्रोवाइडर ऑफ हीट एनर्जी इज वाटर एंड दैट कैपेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द हीट, इट मे बी 100 कैल, इट मे बी मोर देन 100 कैल और इट मे बी लेस than 100 cal. So here three situation may be happen. Okay. Now if heat providing by the water is 100 calorie, so what happened? Total amount of ice will melted, converted in water at 0 degree. So, mixture temperature becomes 0 degree calorie in the case of providing of heat 100 calorie. Are you getting? And mixture mass is mass of water plus mass of ice. And the amount of ice in that case is 0. All students are clear these concept or not? Clear, sir. Chale. Now, case second. If required amount of heat energy of ice is 80 calorie and providing amount of heat energy by the water is, if required amount of heat energy of ice is 100 calorie and providing heat energy of water at 40 degrees Celsius is 80 calorie. So what happened? Required 100 calorie and providing 80 calorie. So 80 calorie equivalent of ice will be melted in water and rest 20 calorie heat equivalent of ice are float of mixture. The amount of mix, the amount of ice कितना होगा? How much amount of ice होगा? That much of amount of ice equivalent of 20 calorie of heat. हाँ ना? Clear ना? Yes. The mixture temperature how much? 0 degree Celsius. 0 degree. यहां तक सभी बच्चे क्लियर? हां सर। एंड केस थर्ड, इफ प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी बाय द वाटर इज 120 कैलोरी देन व्हाट हैपेंड? 100 कैलोरी हीट गेन बाय द आइस विल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री। नाउ मिक्सचर, ऑल मिक्सचर बिकम्स अ
All mixtures becomes a water at zero. Rest 20 calorie of heat energy will increase the temperature of what? Mixture. Water. Mixture या water. Clear हुआ? हाँ. क्या आप सभी लोग को concept clear? Yes sir. इस सारे concept को आप लिख लीजिएगा copy में. यह कहीं book में नहीं दिया है. किसी book में नहीं दिया है. किसी notes में नहीं दिया है. जब आप 10 साल 20 साल का नीट का या जेई का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक एक कंसेप्ट आपको डेवलप हो जाएगा. बात समझे क्या? यह कंसेप्ट ऑटोमेटिक आपको डेवलप हो जाएगा जब 10 20 50 क्वेश्चन करोगे तब. यह कहीं कंसेप्ट नहीं दिया है. यह कंसेप्ट खुद डेवलप हो जाता है. इसी को कहते हैं शॉर्ट कंसेप्ट. इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, समझ लेना. क्वेश्चन नीट का जेई का जो भी होगा बना लेना. रेस्ट कल और क्वेश्चन कराएंगे. ये टॉपिक खत्म हो गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन बाकी है. आज की सेवा की समाप्ति की इजाजत चाहता हूं. तब तक के लिए नमस्कार सर. वो क्वेश्चन दे दिया हूं आप लोग को. कंसेप्ट बता दिया हूं. आंसर 20 डिग्री सेल्सियस सही है. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम बेटा. बाय सर. गुड नाइट.